मिलती है सर्दी दूर करने वाली चाय, लेकिन यकीन मानिए अब मॉकटेल के जरिए आप अपनी गर्मी दूर कर सकती हैं, और वो भी तुलसी, अदरक, नींबू और अनार के साथ। कैसे बनेगी ये मॉकटेल और क्या है इस मॉकटेल का नाम, जानेंगे। मेरे साथ हैं साईं पैलेस से वेदराजी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये जो तुलसी अदरक का फॉर्मूला सुन के भाई मैं तो हैरान हूँ। मैंने तो आज से पहले सिर्फ इनकी चाय पी थी, आप कैसे मॉकटेल बना देंगे इसका? एक्चुअली मैं जब भी जहाँ पर मैंने बार्टेंडिंग किया है वहाँ से मैंने ये सीखा, मतलब वहाँ पर हम लोग ने काफ़ी इनोवेशंस और ऐसे थोड़े नए नए मॉकटेल्स बनाने के ट्राई किए, तो किसी ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम बेजिल का जो तुलसी के पत्ते यूज़ करें, एक जो काफ़ी हेल्दी होता है, तो उसके उसको थोड़ा मैच करने के लिए, फ्लेवर्स मैच करने के लिए ऐसे सब हम थोड़ा इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने एक पोमोग्रेनेट एंड बेजिल मार्टिनी ऐसे एक ड्रिंक इन्वेंट किया। अल्लाह को दिखाएंगे कि क्या क्या हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम यूज करेंगे पोमोग्रेनेट जूस, फिर हम यूज करेंगे बेजिल लीफ या तुलसी के पत्ते जैसे बोलते हैं, फिर इसमें हम यूज करेंगे अदरक, अदरक लाइम, शुगर सिरप, ये है पोमोग्रेनेट सिरप जिसको बोलते हैं ग्रेनेड है। इसको हम कलर के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये तुलसी के पत्ते जो है, इसको मैं थोड़े से तोड़ देता हूँ। इसको थोड़ा मैं ऐसे रफली जस्ट तोड़ के डाल रहा हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे। ये जो जैसा आपने अदरक काटी है अभी, अदरक इसी तरह से काटनी है कि हम इसको मडल करने वाले हैं, थोड़ा मडल करने वाले, तो इसके लिए थोड़ा थिक बेस वाला अगर ग्लास होगा तो अच्छा होगा। इसके बाद हम नींबू काटेंगे क्योंकि हमें इसमें नींबू का जूस चाहिए। तो इसको नींबू को मैंने ऐसे साइड से काटा है ताकि इसके जो सीड्स है वो इसमें ना आए। तुलसी, अदरक और नींबू का जूस, और साथ में नींबू भी डाल दिया। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार ऐसे मडल कर देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें से निकल आए। नींबू, तुलसी, अदरक का कमाल मिक्सचर यहाँ पर बनकर लगभग तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा आइस डाल देंगे। इसमें आइस डाला, फिर इसमें मैं थोड़ा सिरप डालूंगा, फिर थोड़ा शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए आपको शुगर और शुगर को पानी में बॉईल करना है। हाँ। जितना शुगर है सिर्फ उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालोगे तो काफ़ी वाटरी हो जाएगा, वो स्वीट नहीं होगा, तो थोड़ा ब्लैंड हो जाएगा। ओके। तो आपको जितना शुगर डाल रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के उसको गर्म करना है। फिर इसमें डालूंगा मैं पोमोग्रेनेट जूस। अभी इसको हम अच्छी सी मिक्स देंगे, एक डबल स्ट्रेन कर रहा हूँ ताकि डाली भी छन्नी के साथ जा रहा है, जैसे कि चाय के जैसे। इसको मैं गार्निश के लिए एक नींबू का व्हील डाल देता हूँ। पोमेग्रेनेट बेजिल मार्टिनी या तुलसी अदरक वाली मॉकटेल बनाने के लिए आपको चाहिए अनार का जूस 150 मिलीलीटर, 7 से 8 तुलसी के पत्ते, अदरक के 2 छोटे टुकड़े, 1/4 नींबू का रस, शुगर सिरप 50 मिलीलीटर, अनार सिरप 50 मिलीलीटर। मॉकटेल बनाने की विधि, सबसे पहले 7 से 8 तुलसी के पत्ते ग्लास में डालें, फिर उसमें लंबी कटी हुई अदरक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मडल करें, और फिर इस मिश्रण में 2 आइस क्यूब्स डालने के बाद अनार का सिरप, शुगर सिरप और अनार का जूस डालें, फिर इस मिक्सचर को अच्छे से छान लें। गार्निशिंग के लिए नींबू और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें, और इस तरह हो जाएगी तुलसी अदरक वाली मॉकटेल बनकर तैयार। कहते हैं पोमेग्रेनेट बेजिल मार्टिनी, लेकिन हमने इसका नाम रखा है अदरक, नींबू, तुलसी और अनार वाली मॉकटेल। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। मजा आ गया, गले तक ठंडक पड़ गई ये मॉकटेल पीकर। अब आप भी ये मॉकटेल घर में बना सकती हैं, और मैं इस बात का दावा करती हूँ अगर ये मॉकटेल आप अपने बच्चों को देंगी, पतिदेव को पिलाएंगी, तो आपका पूरा परिवार जो है वो स्वस्थ रहेगा।